नमस्कार, मैं हूं संदीप रंजन। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सलून पर कि लोगों को इससे क्या परेशानी हो रही है। आज हमारे साथ हैं सत्यप्रकाश रेसू जी, जो जाने माने विशेषज्ञ एवं समाज सेवी है। सत्यप्रकाश जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले रंजन साहब, भारत न्यूज़ सेविन का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने दर्शकों तक जनता की आवाज़ पहुंचाने के लिए हमें बुलाया। और आज का विषय आपका कोरोना कैसे आया। कोरोना चाइना द्वारा फैलाया गया विश्व में एक छुआछूत का महामारी का रोग है और जो पूरे विश्व में इस समय फैल चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जैसे हालातों से भी ज़्यादा गंभीर हालत इस टाइम बने हुए हैं। ये चाइना की देन है कोरोना। सत्यप्रकाश जी, कोरोना कैसे फैलता है? कोरोना छुआछूत से फैलता है। जैसे मैंने किसी चीज़ को अपने हाथ से छू दिया, या नाई की दुकान पे हम गए, नाई ने अपने उस्तरे का प्रयोग कर दिया, कैंची का प्रयोग कर दिया, या हम किसी के मुंह के सामने से हमारे मुंह पे हवा लग गई, या हम जैसे हाथ मिलाते हैं, या जैसे हम कोली भर के मिलते हैं, स्वागत करते हैं, उसमें उस मिलन से कोरोना फैलता है। कोरोना एक छुआछूत की साक्षात महामारी है, बीमारी है, और जिसका 4-5 दिन बाद से लेके 14-15 दिन बाद जाके पता लगता है कि ये बीमारी हमारे अंदर फैल चुकी है। किन लोगों के ज़्यादातर नाई की दुकान, बार्बर सलून, मसाज पार्लर होते हैं, किन समाज के लोगों की होती है ज़्यादातर? जो नाई की दुकान की बात आपने उठाई, बार्बर शॉप की बात आपने उठाई, या सैलून की, ब्यूटी पार्लर की, मसाजर की जो आपने बातें उठाई हैं, ये ज़्यादातर हमारे मुस्लिम जो लोग हैं उनकी होती हैं। लगभग 90% से ज़्यादा इस सैलून, नाई की दुकान, मसाजर के प्रोफेशन में मुस्लिम परिवार के लोग हैं। सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है इन दुकानों को लेकर, नाई की, बार्बर को लेकर क्या योजना है? रंजन जी, सरकार द्वारा मेरी जानकारी के अनुसार कोई योजना भी आम जनता को बचाने के लिए सैलून से या नाई की दुकान पे या मसाजर पे या ब्यूटी पार्लर पे बचाने के लिए, या उनकी दुकानों को सैनिटाइज करने के लिए, या उनके औजारों को सैनिटाइज करने के लिए, या नाई का प्रोफेशन करने वालों के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन मेरी जानकारी में अभी सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है, और ना ही मैंने किसी टीवी चैनल के माध्यम से ये बात सुनी है। आपका टीवी चैनल बहुत धन्यवाद का पात्र है कि आपने इस बात के लिए सोचा और अपने टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में ये बात पहुंचाएंगे कि जमात की तरह ब्यूटी पार्लर, मसाजर शॉप, नाई की दुकान, सैलून या बार्बर शॉप के लिए गवर्नमेंट को तत्काल सख्ती करनी होगी, ताकि कोरोना का रोग इन दुकानों से, इन प्रोफेशन से ना फैल पाए। जैसे कि लॉकडाउन चला है, लॉकडाउन के दौरान नाई, बार्बर, मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर बंद है, तो लोगों को किस तरह की परेशानी आ रही है? अभी जो लॉकडाउन में आम जनता में ये पाया गया, लगभग 75% से ज़्यादा लोग अपने घर के बाहर सेविंग, बाल कटिंग, हेयर ड्राई आदि काम कराते हैं, और ये काम करने वाले लोगों की दुकानें इस टाइम लॉकडाउन में बंद है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो इन दुकानों पे बड़ी तादाद में भीड़ लगेगी, और गवर्नमेंट के पास अभी 2-4-5 दिन 14 अप्रैल के हैं,
यदि लॉकडाउन नहीं बढ़ता है तो इसलिए कोई ना कोई प्रारूप गवर्नमेंट को बना के तत्काल लागू कर देना चाहिए, ताकि बार्बर शॉप, सैलून, नाई की दुकान, मसाजर, ब्यूटी पार्लर से कोई भी कोरोना का रोग ना फैल सके। इन दुकानों की वजह से कैसे कोरोना फैल सकता है, क्या कैसे? रंजन जी, आप जानते हो कि ये कोरोना छुआछूत की बीमारी है, और एक किसी व्यक्ति को यदि कोरोना की बीमारी है और वो नाई की दुकान पे जाता है तो नाई उससे टच करता है, उसकी कैंची, उस्त्रा, ब्लेड, शेविंग किट आदि छूता है, और वे ही हाथ हमारे बार्बर भाई अपने क्लाइंट के लगाते हैं, तो कोरोना तुरंत फैल जाएगा और नाई की दुकान से इतनी तेजी से फैलेगा, बार्बर शॉप से, सैलून से, ब्यूटी पार्लर से, मसाजर शॉप से जितनी तेजी से जमात के लोग भी नहीं फैला पाए, इसलिए गवर्नमेंट को इस पे तत्काल पकड़ करनी ही होगी। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, लोगों की भीड़ नाई बार बार सलून पर होगी, तो फिर किस तरह के इंतजाम करने चाहिए प्रशासन को उनको लेकर? प्रशासन को और शासन को नाई, बार्बर शॉप, सैलून, ब्यूटी पार्लर, मसाजर पे तत्काल एक नियमावली पास कर देनी चाहिए। ये सारी दुकानें सैनिटाइज हो जानी चाहिए। इन सब लोगों के औजार, जैसे कैंची है, उस्त्रा है आदि आदि, सब सैनिटाइज हो जाने चाहिए। इन लोगों को सरकार द्वारा ट्रेनिंग दे दी जानी चाहिए कि ये जिसके भी हाथ लगाएं, नए कपड़े वे धुले हुए हों, और जब एक ग्राहक के बाद दूसरा ग्राहक बैठाएं कुर्सी पे, तो उस कुर्सी को भी सैनिटाइज कर लें। कोई भी चीज़ बैठने की जगह से लेके, दरवाजों के हैंडल से लेके, कुर्सी से लेके, सब चीज़ों सैनिटाइज हों, और दुकान पे इन लोगों की बिल्कुल भीड़ ना हो। जितनी इनके यहाँ कारीगर हों, उतने ही लोग अंदर जा सकें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे नाई, बार्बर, सैलून वाले, ब्यूटीशियन वाले, मसाजर उतना ही काम कर पाएं जितनी उन पे जगह हो, ताकि कोरोना आगे तेजी से ना फैल सके। जैसे कि लॉकडाउन खुल जाएगा, महिलाएं घरों के अंदर है, फिर ब्यूटी पार्लर में ज़्यादा भीड़ होगी महिलाओं की, तो महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? महिलाओं के बारे में जहाँ तक बात है, तो महिलाएं बिना ब्यूटी पार्लर के एक महीना, दो महीना आराम से चला सकती हैं। ये जो विशेष दिक्कत आती है हमारे पुरुष भाइयों में आती है, सेविंग के कारण, इन मूंछों के कारण, बाल के कारण, है ना, डाई के कारण, और कुछ रोगों के कारण, जो हमारी बहनें, महिलाएं बीमार हैं और उनको मसाजर की ज़रूरत है, तो उनके लिए विशेष ध्यान यही रखना है कि मसाज करने वाली बहनें और करवाने वाली बहनें दोनों ही सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा पूरा प्रयोग करें, ताकि इस कोरोना की बीमारी को रोकने से बचाया जा सके। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, नाई की दुकान, बार्बर सलून पर जाने से पहले किस तरह की एहतियात बरते लोग? रंजन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे भाई और बहनें भी नाई की दुकान, सैलून, बार्बर शॉप, ब्यूटीशियन या मसाजर के यहाँ जाने से पहले उनको ये हिदायत दे दें कि सरकार द्वारा दी गई नीति को उन्होंने अपना रखा या नहीं अपना रखा।
यदि अपना रखा है तो उन्हीं जगह पे जाएं जहां पे स्वास्थ्य की गारंटी हो, सैनिटाइजेशन की गारंटी हो, कोरोना ना फैलने की गारंटी हो और सबका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो ये देश आगे बढ़ पाएगा। यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, कोरोना जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे तो ये देश काफ़ी नुकसान की तरफ जाएगा और हमारे बार्बर, नाई, ब्यूटीशियन, सैलून और मसाजर भाई इस कोरोना की बीमारी को रोकने में अति महत्वपूर्ण योगदान देश सेवा के रूप में देंगे। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, शासन की भी जिम्मेदारी है, जन प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है, महिलाओं की भी जिम्मेदारी है और कारोबारियों की भी जिम्मेदारी है कि नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटीशियन कम से कम जाएं और हर तरह की सावधानी बरतते हुए इन चीज़ों का प्रयोग करें। ये थे सत्यप्रकार रेसू जी, जिन्होंने बताया कि बार बार नाई आदि की दुकानों पर जाने से बचे और कोरोना को इस देश से भगाए।